आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। एटक यूनियन ने राष्ट्रीय आवाहन पर सीधी में आंगनबाड़ी यूनियन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार लक्ष्मीकांत मिश्रा ने ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी यूनियन एटक के प्रदेश सचिव विभा पांडे ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले से ही अन्य बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं शासन की कोई ठोस नीति ना होने से कोरोना काल में जमीनी स्तर पर काम कर रही है, लेकिन इसके लिए कोई सामाजिक सुविधा की व्यवस्था नहीं है। माकपा नेता आनंद पांडे ने आंगनबाड़ी यूनियन का समर्थन करते हुए कहा कि COVID-19 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की संपत्ति को बेचने का अवसर बना दिया है। देश की संपत्ति बेचने का समय तब चुना जाता है जब कोरोना के कारण जनता सड़कों पे उतर नहीं सकती है। वहीं आंगनबाड़ी यूनियन में ज्ञापन में मांग किया गया है कि कोरोना के खिलाफ अभियान के लिए कार्यकर्ताओं को मास्क, सैनिटाइज़र और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाए। आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित कर कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय रिकॉर्ड रजिस्टर उपलब्ध कराया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ICDS के अलावा अन्य विभाग के कार्य भी कराए जाए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये कटा हुआ मानदेय वापस दिलाए जाने की मांग की गई है। साथ ही नीति और प्रशिक्षण के लिए आने जाने का किराया दिलाया जाए। प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए घोषित विशेष बीमा जोखिम भरे इस अभियान में शामिल आंगनबाड़ी कर्मियों को भी शामिल किया जाए। आज आंदोलन है, ये आंदोलन 3 दिन का है, 7, 8, 9। ये पूरे देश के अंदर जो जितने श्रम संगठन हैं उसके खिलाफ वो लेके जो मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन है। उसी संदर्भ में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीधी जिले में अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलन किया। इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको तो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं इनको दी नहीं जा रही हैं। ये तमाम गांव-गांव जाके चेक करती समाज महिला जी को इनकी कोई समाज सुरक्षा नहीं है। हम लोगों ने मांग किया था कि इनके 50 लाख का बीमा हो, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार से अपनी तनख्वाह बढ़ाने तो मंत्री और विधायक अपनी तनख्वाह बढ़ाने के वो हैं संवेदनशील हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मजदूर स्तर जैसे मान लीजिए आशा कार्यकर्ता हूँ उसको तनख्वाह मिलती है 2000 रुपये, रसोईया हो उसको तनख्वाह मिलती है 1000 रुपये। तो ऐसे मामले में जो केंद्र सरकार है वो विशुद्ध रूप से गैर संवेदनशील है। दूसरी बात ये मोदी जी ने कोरोना के बाद ये कहा था कि ये देश के लिए एक अच्छा अवसर है। तो कोरोना के संकट में जब देश की जनता विद्रोह नहीं कर सकती है, आंदोलन नहीं कर सकती है, उस दौरान वो हवाई जहाज का निजीकरण कर रहे हैं, वो कोयला का निजीकरण कर रहे हैं, वो इसका बीसना का निजीकरण कर रहे हैं, यहाँ तक किसी शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब आज ये कोरोना के संकट में 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं और वो राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं, वो सरकार जोर के सरकार बनाने की चिंता कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा? तो हम मजबूर होकर जो पूरे देश के श्रम संगठन हैं हम ये 3 दिन का हड़ताल की, इसके पहले भी 2-4 बार हड़ताल हुई। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम अगले महीना इसी महीना अगली बार 18-19 तारीख को बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं। तो ये तो शपथ ले लें, ये सरकार बना लें, लेकिन हमारे लिए बैन है, हमें परमिशन नहीं मिलेगा आंदोलन करने के लिए। ये हमारे पास यहाँ 600-700 महिलाएं हैं आंगनबाड़ी की, मुझे 10-5 लोगों के लिए बुलाने के लिए कहा गया, भाई सांकेतिक आंदोलन कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जा रही हैं, लोगों का परीक्षण कर रही हैं, खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद कुपोषण शिकार है। जो कुपोषण हटाने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है ये खुद कुपोषण शिकार है। आप बताइए 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में क्या होता है? जिनके पास बच्चे हैं तो क्या होता है? खुद कुपोषण शिकार है। थैंक यू।